नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण भारद्वाज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरओ टेक्निकल एक्सपर्ट्स में और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में, आप ये एक बेसिकली ये एक हमारा पानी का प्रेशर कंट्रोल करने के लिए एक यूनिट है जिसे हम PRV बोलते हैं। अब ये वीडियो मैं आज आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि कई बार हमारे पास ऐसे कमेंट आते हैं, जैसा हमारे पास आज एक कमेंट आया कि अरुण जी, हमारी बोतल जो है आरओ की एक साल में दो बार फट चुकी है, तो ऐसा किस लिए है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही मैं बताना चाहूँगा कि कई बार क्या रहता है कि इस बोतल के फटने के कई कारण रहते हैं। जो मेजर दो कारण आपको बताऊँगा, कई बार तो ये रहता है कि सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि जो सस्ते सस्ते जो आरओ रहते हैं उनके साथ क्या है कि बोतल जो है बहुत हल्की क्वालिटी की जो कंपनियाँ देती हैं। अब बोतल अगर हल्की क्वालिटी की होगी तो मान लो अपने 10-12 फ्लोर पर से पानी आपके यहाँ आ रहा है और आप सेकेंड फ्लोर पर रह रहे हैं, तो प्रेशर बहुत तेज़ होता है, तो पानी का दबाव बहुत तेज होता है तो बोतल पे पड़ता है, तो बोतल एक तो हल्की होने के कारण ये प्रेशर नहीं झेल पाती और ये फट जाती है। तो इसका बेस जो है, कई बार हम इसे टाइट करते हैं तो बोतल अगर हल्की रहेगी तो इसके बेस से फैलना शुरू हो जाता है, इसका जो मटेरियल है प्लास्टिक जो है वो इस कारण से भी फट जाती है। तो ये दो मेन कारण रहते हैं प्रेशर और वो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर बोतल आप लगा रहे हो तो सबसे बढ़िया क्वालिटी की हैवी बोतल लगाइए, ताकि अगर थोड़ा बहुत प्रेशर आता है तो उसे छील जाए, ठीक है। यहाँ ये बात आई। इसके बाद फिर अब ये देखिए, जैसे अब ये बोतल है, ये मीडियम क्वालिटी की बोतल है, जो कि क्वालिटी अगर दोस्तों बोलूँ तो आरओ लाइन में प्री फिल्टर हाउसिंग की कम से कम 10 क्वालिटी आती है। अब लेमैन भी कन्फ्यूज हो जाएगा ना यार, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई बोतल कौन सी बढ़िया है कौन सी नहीं, हमने देखी हमने मंगवा ली, कस्टमर अपनी जगह ठीक है, लेकिन यहाँ हमारी भी बन जाती है कि अगर हम कोई बढ़िया चीज़ के पैसे ले रहे हैं तो उसे बढ़िया चीज़ ही दी जाए। जैसे कि आप ये बोतल देख रहे हैं, इसका बेस हम जो है यही वाली बोतल प्रेफर करते हैं। बेसिकली आज की जो मेरी वीडियो बनाने का मतलब यही था कि अगर आप भी ऐसी कोई समस्या का मतलब देख रहे हैं कि आपके यहाँ भी ऐसी समस्या है कि प्रेशर कंट्रोल करने पे भी ऑटोमेटिक प्रेशर जो है तेज़ हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि पीछे जहाँ से हमने पानी का कनेक्शन लिया हुआ है ये PRV हमारा रहता है, तो आप पानी की सप्लाई में PRV ज़रूर लगाइए और ये पानी के प्रेशर को कंट्रोल करता है। अब ये हम क्यों लगाएँ, वो इसलिए लगाएं क्योंकि हमारे यहाँ तो ऑलरेडी पीछे एक वाल लगा हुआ है, पानी को कंट्रोल करता है। दोस्तों, कई बार कहते हैं कि पीछे जो हमारे जो वाल लगे रहते हैं वो एक्यूरेसी नहीं देते, कई बार बहुत तेज़ पानी का प्रेशर खुल जाता है, कई बार कम हो जाता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, तो यहाँ से हम जितना प्रेशर खोलेंगे ये एक्यूरेसी ज़्यादा देता है कम्पेयर टू ऑर्डनरी वाल। तो क्योंकि आज जो समस्या हमने सुनी, कमेंट जो आया हमारे पास भाई साहब को, तो मैंने कहा चलो आज इसी के बारे में बताते हैं आपको कि ये PRV आप इस टाइप से पानी का प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें सिस्टम ये रहता है कि आप इसे क्लॉकवाइज टाइट करेंगे तो ये पानी का प्रेशर बढ़ता जाएगा, इसमें उल्टा सिस्टम रहता है, और अगर इसे लूज़ करेंगे तो पानी का प्रेशर बंद हो जाएगा, इस PRV का सिस्टम ये रहता है। तो बहुत बेहतरीन चीज़ है, कहीं भी आपको मिलती है, आप कहीं से भी मंगवा के आप ये ज़रूर लगाइए। स्पेशली उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जहाँ जिनके यहाँ बोतल फटने की ज़्यादा समस्या आती है या फिल्टर फट जाते हैं, पानी का प्रेशर बहुत तेज है, ये ज़रूर आप लगा सकते हैं। क्योंकि कई बार हमारे जो टेक्नीशियन भाई हैं उन्होंने भी हमसे ये पूछा था कि अरुण जी, ये PRV कैसा होता है, वो कैसे काम करता है, सुना है कि ये चीज़ होती है, तो मैंने कहा चलो आज आपको दिखाते हैं ये PRV रहते हैं। जो नए भाई हैं उन्हें नहीं पता होता, तो हमारी ड्यूटी बनती है जब हमारा चैनल है तो आपको सभी पार्ट्स की जानकारी दें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।